दुनिया में कौन किससे चाहकर दूर होता है, हर कोई हालातों के आगे मजबूर होता है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हर दोस्त एक मोती और हर रिश्ता एक कोहिनूर होता है। दुनिया में वार सात होते हैं, सोमवार से वार की शुरुआत होती है और रविवार पर वार का समापन होता है। दुनिया में आज तक कोई भी आठवां वार नहीं हुआ, लेकिन गणेश कला क्रीड़ा मंच में हम लोग आठवें वार की चर्चा करेंगे और वो आठवां वार है परिवार। क्या बात है। जब तक आठवां वार सुखी न होगा, तब तक बाकी के सात वारों का कोई मूल्य भी न बचेगा। सात वार तभी सार्थक हो सकते हैं जब आठवां वार हमारा सुखमय, शांतिमय और आनंदमय होगा। हम ये दुआ करते हैं कि हमारा हर परिवार, हर समाज, समाज का हर सदस्य सुखी हो, समृद्ध हो, न केवल आनंदपूर्ण हो बल्कि हर व्यक्ति का जीवन धर्ममय, नैतिकतामय और अध्यात्ममय हो। जो घर और परिवार व्यक्ति के जीवन के लिए इतना मूल्य रखता हो कि व्यक्ति का जन्म होता है तो घर और परिवार में व्यक्ति की पढ़ाई होती है, घर और परिवार में संस्कारों का निर्माण होता है, तो घर और परिवार में व्यक्ति अगर शादी भी कर लेता है तो शादी करके जिस नगर पर लौट कर आता है वो भी व्यक्ति का अपना घर परिवार होता है। व्यापार करने जाता है, 12 घंटे मेहनत करता है, पर 13वें घंटे जहां सुकून पाने के लिए आता है वो भी व्यक्ति का अपना घर और परिवार होता है। आदमी बुढ़ापा किसी वृद्धाश्रम में बिताना नहीं चाहता, आदमी अपना बुढ़ापा किसी मंदिर या थानक में नहीं बिताना चाहता, आदमी जहां पर अपना बुढ़ापा बिताना चाहता है वो भी व्यक्ति का अपना घर और परिवार होता है। और अगर आदमी अपनी अंतिम सांस ले ले और कहीं परदेश में भी गया हुआ है तब भी अंतिम सांस अगर छोड़ना चाहेगा तो अपने घर और परिवार के बीच, और अगर परदेश गया हुआ है वहां अगर उसकी सांस उखड़ गई तब भी परिजन यही चाहेंगे कि मेरे पापा की, मेरे दादा की अर्थी का संस्कार मेरे अपने घर परिवार से हो। जहां पर जन्मने पर आदमी के लिए थाली बजाई जाती है और मोदक बांटे जाते हैं उस अस्तित्व का नाम है घर और परिवार। जहां पर व्यक्ति के जन्म पर थाली बजाई जाती है वो व्यक्ति का पवित्र स्थान है घर और परिवार। और जहां पर व्यक्ति के चले जाने के बाद परिजन अपने सिर के बाल उतारकर और अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं वो डगर भी है व्यक्ति का अपना घर और परिवार। परिवार कोई कायदे से नहीं चलता, परिवार एक व्यवस्था का नाम है। परिवार किसी कानून से नहीं चलता, परिवार एक अनुशासन से चलता है। परिवार किसी आग्रह से नहीं चलता बल्कि परिवार एक दूसरे के प्रति रहने वाले आदर और सम्मान से चला करता है। परिवार किसी के अभिमान से नहीं चलता, परिवार हमेशा औरों को सम्मान दिए जाने से चला करता है। परिवार अर्पण का नाम नहीं है, परिवार अपनी ओर से अपने समर्पण का नाम है। आज से हम अपने अपने घर और परिवार में चल करके घर और परिवार में जैसे अलमारी में रहने वाले कपड़ों में दीमक लग जाती है और दीमक हमारे कपड़ों को न खा जाए इसके लिए हम लोग अपने अपने कपड़ों की परलेहन कर लेते हैं, अपने अपने कपड़ों की देखभाल कर लेते हैं। ऐसे ही हमें अपने अपने घर और परिवार की देखभाल कर लेनी होगी। व्यक्ति अपने घर में मीटिंग तभी करता है जब घर बिखरने वाला होता है। मैं कहूंगा कि अगर घर परिवार में हर महीने की 31 तारीख को अगर घर और परिवार के सारे सदस्य मिलकर अगर मीटिंग कर ले और एक दूसरे के शिकवे और गिले अगर अपने दिल से निकाल दे तो दुनिया में कोई घर परिवार नहीं टूटेगा। हम टूटने पर मीटिंग करते हैं, अच्छा हो मीटिंग पहले कर लो ताकि घर और परिवार कभी टूटे ही नहीं।
घर और परिवार कभी टूटे ही नहीं। हमारे घर की कोई बहू अपने पीहर चली जाए और घर जाकर के पीहर जाकर कह दे कि मैं वापस अपने ससुराल नहीं आऊंगी, तब हमारी आंख खुलती है, तब हमारी आंख खुलती है और तब हम सोचते हैं बहू ने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अगर पहले से ही हम लोग अपने घर में, हम लोग पहले से ही अपने घर में एक दूसरे के साथ अगर संवाद, मधुर व्यवहार, मधुर वाणी का उपयोग का अगर विवेक रखे हैं, तो दुनिया में कोई भी बहू अपने पीहर नहीं जाएगी, क्योंकि वो ससुराल पीहर जाने के लिए नहीं आई, वो ससुराल अपना घर बसाने के लिए आई थी। कोई भी बहू अगर ससुराल जाती है तो तन में, मन में यही भावना लेकर जाती है कि मैं इस घर से अब तभी वापस लौटूंगी जब मेरी अर्थी उठेगी। जीऊंगी यहां, मरूंगी यहां, जीऊंगी इनके लिए, मरूंगी उनके लिए। पर हम अगर अपने परिवार के उस अतिथि का कि यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां पर देवता भी रमण किया करते हैं, हम अगर अपने घर में आए हुए उस बहू के रूप में आने वाली अतिथि का अगर मान मर्यादा रखना नहीं जानते, तो परिणाम ये निकल कर आता है, वार वार नहीं रहता बल्कि वार भी तब WAR, वार यानी युद्ध, युद्ध यानी आपसी संघर्ष, आपसी कलह, तलाकनामा और घर की टूटन। क्या केवल मंदिर और स्थानक बना लेने मात्र से धर्म को जीवित रखा जा सकता है? क्या केवल गुरु महाराज के पांव छूकर आने से क्या हम अपने परिवार की एकता को अखंडित रख सकते हैं? परिवार की एकता को अखंडित रखना है तो हमें केवल मोहल्ले में मंदिर नहीं बनाना है बल्कि घर घर में मंदिर बनाना है। हकीकत तो यह है, अपने ही घर को मंदिर बनाना है।